इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। एहसास ना हो तो हम उसूलों का क्या करें, दिल से दिल की जोत जलाता है ये एहसास। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। फितरतों के बोझ से दबा है आदमी, नफरतों की आग में जला है आदमी। भेदभाव रंजिशों के जाल काट कर एहसास बनाता है आदमी को आदमी, आदमी को आदमी। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। चना भूना है, थोड़ा खाई लो। क्या है कि आज बहुत जल्दी में है, खाते ही तबियत मस्त हो जाए। अरे तबियत तो पहले से ही बहुत मस्त लगत है, आज कुछ गड़बड़ है। अरे छोटे डॉक्टर साहब, पान तो खाते जाइए। नहीं काशी भैया, बहुत जल्दी में है, फुर्सत नहीं है आज। अरे ओ भैया छोटे डॉक्टर साहब, थोड़ा मेरी एक अर्जी है, इसको पढ़कर देख लीजिए। आज कलेक्टर साहब के लिए लिखवाई मैंने। ये अर्जी है? हाँ अर्जी है, आज ही तो लिखवाई। अरे रघु चाचा, ये तो पूरी की पूरी महाभारत है, इसको पढ़ने में पूरा एक दिन लग जाएगा। ऐसा करो संध्या को आ जाना, मैं धूप बत्ती जला कर सारी बांच दूं, अभी जल्दी में। अरे थोड़ा देख लीजिए। अरे चाचा बहुत जल्दी में होना। अरे आजा गुइया, ये जवानी कसम है जब बिना कढ़ाए जाए। अरे गुइया माफ करना भैया, आज जरा जल्दी में है, दिन तोड़ के जा रहा है गुइया। अरे तो आकर फिर से जोड़ लेंगे यार, जल्दी आना जल्दी। देखते हैं तो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। खुशी रहो बेटिया। अम्मा का पांडव चाचा है। राम राम भैया, आप कैसी है तबीयत? पहले से तो ठीक है भैया। अब तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बस तुम ये चिंता करना छोड़ दो। ये चिंता तो अब चिता के साथ जाएगी श्याम सुंदर। अरे चुप करो भैया, देखो अगर ऐसी अशुभ बात करोगे ना तो गंगा मैया की सौगंध अब भी उठकर चले जाएंगे और फिर लाख बुलाने से भी नहीं आएंगे। लगता है भैया तुम्हें हमारी डॉक्टरी पर भरोसा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं,
भाभी को तो भरोसा है हमारी दवाई पर। अरे ओ भाभी, हाँ तो कह दो, कहाँ छुपी बैठी हो? हाँ भैया, हमें तो ईश्वर के बाद अब तुम ही पे भरोसा है। अरे ओ भाभी, ऐसी बात करके तो तुम हमारा दिमाग ही बिगाड़ दोगी। हम तो खुद ईश्वर के भरोसे जिंदा है, और देखो उन्हीं की कृपा से भैया की हालत धीरे धीरे सुधरती जा रही है। क्यों भैया? अरे कटोरे में क्या खीर लाई हूँ मेरे लिए, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाभी, मैं तो रूखी सूखी खाकर ही मस्त हूँ। इसमें तो इंजेक्शन के लिए गर्म पानी है भैया, पर मैं वचन देता हूँ कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये तुम्हें खीर जरूर खिलाएंगे। और वो भी भर पेट, एक दो कटोरे से काम नहीं चलेगा भाभी? हाँ हाँ, भर पेट खिलाऊंगी। हाँ तब ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले तो भाभी तुम हमें कर दो माफ, क्योंकि आज हमें आने में देर हो गई। वैसे हमें याद तो था कि आज भैया के इंजेक्शन का दिन है, पर क्या है कि गप्पों में इतना मस्त हो गया, कुछ सुधबुदी नहीं रही। याद आते ही सरपट दौड़ा और सीधा यहीं आकर दम लिया। बस ए चूहे पानी, तू ऐसे क्या ताक रही है, जा एक गिलास पानी लेकर आ, बहुत प्यास लगी। लो भाभी, भैया को इनका रस पिला देना है। अरे रख लो ना भाभी, ये तो रास्ते में दे गया था कोई, मैं भैया के लिए ले आया। और किसी और चीज की जरूरत हो ना भाभी तो कह देना। तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती भैया। अरे ऋण से भी मुक्त हो जाओगी भाभी, बस एक कटोरा खीर खिला देना। आह शाबाश। आह भाभी, भैया तो सो गए, अब इन्हें जगाना मत है, तो हम चल दिए। सुखी रहो भैया। भाभी मेरा सुख तो आप लोगों के सुख में है, आप लोग सुखी तो मैं सुखी, मेरा सुख तो संसार के सारे लोगों के सुखों के साथ जुड़ा हुआ है। राम राम। भैया फिर हमारी फीस दो। फीस? अरे कंसल्टेशन, भांग का गिलास है हमारी फीस, और एक नहीं दो। अरे दो नहीं गुइया, तीन लो। काफी ले गया। अरे तीन नहीं चार, एक हमारी तरफ से भी हुई जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तुम चुंगू को ताऊ पेच बताकर हमको चित करवा दिया, हमका तुम्हारा दुश्मन रही? अरे नहीं राजा, नहीं वो क्या है कि अपना तो कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त है मेरे। वाह खूब दोस्ती निभाई तुमने हमारे साथ। नहीं नहीं राजा, क्या है कि तुम पढ़ रहे थे भारी सचमुच चंगू पर, मुझे लगा कि तुम इसे पटक दोगे, तो भैया हमें जरा कूटनीति से काम लेना पड़ा। अरे चंगू का ही तो पटकते, तुमका तो नहीं। अरे कैसे पटक देते चंगू का, हमारा दोस्त है, गुइया है हमारा, उसे हम कैसे गिरने देते। और फिर का, और फिर वो हमारे गाँव का है, अपने गाँव के आदमी को कैसे गिरने देते हम। तुम्हारा गाँव, ये तुम्हारा गाँव कैसे हो गया छोटे डॉक्टर, कल जो तुम्हारा तबादला दूसरे गाँव में हो जाए तब। अरे तब की तब देखी जाएगी, पर भैया जब तक हम यहाँ हैं ना, ये गांव मेरा है, यहाँ के सब लोग मेरे हैं, इनका हर दुख मेरा दुख, हर खुशी मेरी खुशी। अरे वाह राधा भाभी वाह, बहुत सुंदर तरीका है अपने इस इकलौते देवर के स्वागत का है। मौसी बड़ी अच्छी शिक्षा दी है तुमने इसे। वैसे ये मेरी शिक्षा नहीं है। तो फिर किसकी शिक्षा है? कभी कभी राधा के दिमाग की सुई उल्टी घूमने लग जाती है, तीन चार दिन से जाने क्या उठा पटक कर रही है। अरे तो मौसी मुझे खबर कर दी होती, वो अपने पड़ोस के शहर में पागल खाना है ना, उसका डॉक्टर मुझे बहुत मानता है, मैं वहाँ ले जाता, चार छह लगते बिजली के झटके और इसके दिमाग की सुई बिल्कुल सही घूमने लगती। अरे अम्मा, चार दिन से इनका कोई आता पता तो है नहीं। अरे अपने खूंटे पर हो तब तो खबर देना। अरे अरे झूठ बोलते हुए थोड़ा तो ईश्वर का ख्याल करो भाभी, चार दिन से लापता। मौसी में चार दिन पहले आया था कि नहीं? आया था बेटा आया था। हाय चार दिन कम होते हैं, चार दिन देवा जी
अरे इस बीच कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता भाभी, या हो गया कुछ? अरे माना भाभी कि तुम अकेली डिस्पेंसरी नहीं आ सकती, बहुत डर है ना तुम्हें कि अकेला पाकर मैं खा जाऊंगा तुमको, पर किसी के हाथ खबर तो भिजवा सकती हो। अब बात यह है मौसी कि पुराने डॉक्टर साहब तो हटा दिए गए हैं और नए डॉक्टर अभी आए नहीं है। डिस्पेंसरी में वो भीड़ लगी रहती है मौसी जैसे प्रयागराज के माघ के मेले में, और मेरी हालत तो ये है कि रात का खाना नसीब होता है दिन को और दिन का रात में, कभी कभी तो वो भी नहीं। हाँ वो तो दिख ही रहा है देवा जी, दाएं पैर की चप्पल बाएं में और बाएं की दाएं में। अरे कुछ ऐसा ही हाल है हमारा, पर है कोई मेरी सुध बुध लेने वाला? अरे तो दासी को बुलाए लेते देवर जी। लो मौसी दासी और ये। खैर छोड़ो मौसी, अब ये बताओ कि इन राधा देवी के गोविंद जी की कोई खोज खबर मिली कि नहीं? अब वही तो बात करनी है बेटा तुमसे, कलकत्ता से रामधन की चिट्ठी आई है कि गोविंद उसे मिला था और वो किसी कारखाने में काम कर रहा है और वहीं की किसी औरत को अपने पास रख लिया उसने। अगर ये सच बात है बेटा तो इस अभागी राधा का क्या होगा, ये तो गले में फंदा लगाकर लटक जाएगी। ये तो इसी आस पर जी रही है कि गोविंद कैसे भी नाराज होकर घर से गया है मगर आएगा जरूर इसी के पास, मगर अब तो बात कुछ बिगड़ती ही नजर आ रही है। ऐसा है मौसी, गोविंद मेरे ननिहाल का है और मुझसे साल दो साल बड़ा ही है, मुझे छोटे भाई की तरह मानता है। अब पता लग गया है ना उसका, तो मैं जाऊंगा समझाऊंगा उसे, कैसे नहीं लौटेगा। अरे इतनी प्यारी भाभी का कष्ट हम कैसे देख सकते हैं, इसकी गृहस्थी बनाना तो मेरा फर्ज है मौसी। बस थोड़ा इंतजार कर लो, क्या है कि अभी तो हम हिल भी नहीं सकते जब तक नए डॉक्टर नहीं आ जाते। नए डॉक्टर आए तो बस फिर हमें आराम ही आराम है। कब आ रहे हैं नए डॉक्टर? कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस सरकारी अस्पताल में पहले वो काम करते थे ना, वहां के अंग्रेज अफसर से हो गई उनकी भिड़ंत और ये मारा इस्तीफा उसके मुंह पर देकर। अपने राजा साहब ने सुना तो तुरंत उनकी गांव की डिस्पेंसरी में नियुक्ति कर दी। अरे मौसी सुना है बहुत जोरदार आदमी है, मजा आ जाएगा ऐसे आदमी के साथ काम करके। अच्छा मौसी तो अब हम चल दिए। ऐसे बिना कुछ खाए पिए कैसे चले जाओगे बेटा? अरे मौसी धूल खिला तो दी पेट भर हमारी प्यारी भाभी ने, लगता है पिछले हफ्ते भर से इकट्ठी करके रखी थी। ऐसे निखट्टू और निर्मोही देवर के लिए तो धूल फाकनी ही ठीक है। वैसे सोया मेथी का साग बना रही हूँ देवर जी, खा कर जाना, कसम है तुम्हें हमारी। अरे भाभी कसम वसम मत खिलाओ, देखो आज तो तुम्हारी धूल से ही पेट भर गया हमारा। हाँ साग खिलाने का इतना ही शौक है ना, तो फिर कल डिस्पेंसरी आकर खिला देना। जैसी तुम्हारी इच्छा देवर जी, वैसे हमारा क्या अधिकार है तुम पर? अरे है ना भाभी, बहुत अधिकार है, बहुत अधिकार है तुम्हारा मुझ पर, और तुम्हारा ही क्या, मुझ पर तो पूरे गाँव का अधिकार है, बस इस निखट्टू का ही किसी पर कोई अधिकार नहीं है। अरे मैंने तो सुना है तुम्हारा अधिकार पूरे गांव पर है, ये लोग जान छिड़कते हैं तुम पर। अरे ठीक सुना है भाभी, बिल्कुल ठीक सुना है, पर गड़बड़ ये हो गई भाभी कि हम जिस पर जान छिड़कते हैं ना, उसने तो पहले ही हमारे भाई से शादी कर ली। अरे क्या हो जाता भाभी अगर साल भर या छह महीने रुक जाती है, क्या प्रलय आ जाती? ये तो किस्मत की बात है देवर जी। हाँ कहती तो तुम ठीक ही हो भाभी, है तो अपनी अपनी किस्मत, तभी तो देखो ना इतना प्यार पाकर भी अकेला हूं। अच्छा भाभी, अच्छा मौसी अब हम दोबारा चल दी और पक्का चल दी। ए भाभी कल साग रोटी लाना मत भूलना है। नहीं हर से। अरे अरे बकरी दी चाचा लाओ हमें दे दो खड़ा। मुझे दोजख में क्यों फंसीते हो बेटे, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो भाई? अरे इसमें तकलीफ कैसी, और फिर चाचा मुझे तो घर का काम करने में ना वैसे भी एक अजीब सा संतोष मिलता है, लेकिन मुनिया को क्यों नहीं भेज दिया, वो भर लाती पानी। अब तुमसे क्या कहूँ बेटा, अपना ही गाँव और अपने ही जमीन के लोग, मुनिया उन्हीं लोगों की नजरों के सामने इतनी से इतनी बड़ी हो गई और अब उन्हीं की नजरें बदल गई। बेटा इसीलिए मैंने मुनिया को पानी लाना बंद करवा दिया। ठीक ही किया चाचा, ठीक किया। बेटा खुदा ने माँ इसीलिए बनाई है कि वो बेटी की रहनुमाई कर सके, मगर ये कमबख्त तो पैदा होते ही माँ को खा बैठी, बस रह गया मैं, ना अच्छी माँ बन सका ना अच्छा बाप। अरे चाचा दिल दुखाने वाली बात नहीं करते, आओ। और अभी मुनिया का ये निकम्मा भाई तो मौजूद है ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत किया करो, तुम्हारा ही भरोसा है बेटा। ए मुनिया, मुनिया
अरे बाहर निकल और घड़ा उतार, कंधा पिचक जाएगा मेरा। अरे भैया एक ही मटके में जी बोल गई, और मैं जो दिन में चार पांच मटके लेके आती हूँ वो देख, तू तो है बहादुर है और मैं हूँ कमजोर, इससे बातों में जीत सका है चाचा को। अरे भैया खाना वाना तो खाते नहीं, कमजोर नहीं होगी तो कर रुस्तम बनोगे। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खा के जाना। अरे नहीं खाना रहने दे, दिन में बहुत देर से खाया था ना तो अभी भूख ही नहीं लगी। अरे थोड़ा बहुत खा लो बेटा, बच्ची का जी रह जाएगा। चल तो फिर ऐसा कर, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बना दे, मजा आ जाएगा, लेकिन फटाफट। अभी बना के लाती हूँ। और चाचा नौकरी सही चल रही तुम्हारी? अभी तक तो सब ठीक ही चल रही है, अब सब अल्लाह का करम है बेटा, बैठो। अरे बैठेंगे कहाँ चाचा, आप तो पैर पसार के सोएंगे आराम से, आराम से। अरे हे बैजू, हाँ साधु महाराज कहाँ गए? वो तो चले गए छोटे डॉक्टर, कह रहे थे रमता जोगी और बहता पानी का क्या ठिकाना। अरे चले भी गए? हाँ बोला साधु और नदी के बहते पानी को रुकना नहीं चाहिए, बस चलते ही रहना चाहिए। रुक जाते तो अच्छा होता भैया, अच्छी संगत जमती, खूब भजन कीर्तन होता। सबने तो यही कहा पर किसी की सुनी नहीं, कहते रहे मेरा भजन सुना था ना, माया तू न गई मेरे मन से, इसलिए माया मोह को छोड़ो और मुझे जाने दो। अरे ठीक ही तो है रे बैजू, इस जीवन में क्या माया जा सकती है मन से। चलो चलो भैया श्याम सुंदर, इन झंझटों में मत पड़ो वरना पूरे पागल हो जाओ, आधे पागल तो तुम हो ही। अच्छा भैया चलते। अच्छा अच्छा। ओ माया तू ना, अरे माया तू ना गई मोरे मन से। राम राम। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर मा बैठे ब्रह्म नाम छाड़ी के पूजन लागे पत्थरा, मन ना रंगाए अरे माया तू ना गई मोरे मन से, जब तक प्रा। अरे कौन है उधर, कौन है रे? मैं हूं लक्ष्मणा मालिक, बड़ी देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। अबे तो बीड़ी काहे बुझा दी भाई पागल? मुझे क्या पता नहीं तू बीड़ी पीता। जी आप खाना लगाऊं, काहे कि गरम करने में तनिक देर हो जाएगी। नहीं नहीं लक्ष्मणा खाना आज रहने दे, बकरी दी मियां के यहाँ खा के आया हूँ खूब चक्के। तेरी गाय ब्याने वाली है ना? हाँ हाँ। तो मेरे हिस्से की रोटी तू उसे खिला दे। जी बहुत अच्छा, आपकी चारपाई बिछा दिया हूँ, अगर रात में ठंडी लग जाए तो मुझे जगा दीजिएगा, मैं अंदर बिछा दूंगा। और पानी रख दिया है और लालटीन को हल्का करके उधर उधर रख दिया है। शाबाश शाबाश लक्ष्मणा, मेरे साथ रहकर तू बहुत समझदार हो गया भाई, है? अच्छा जा अब तू आराम कर, है मुझे भी बहुत नींद आ रही, चादर तान के सोऊंगा। अच्छा मालिक। जब तक प्राण निकसे तन से। मालिक। हाँ बोल। एक बात कहूँ मालिक? हाँ बोल। आप बुरा ना मानिए, आप ठीक समय पर खाना नहीं खाते हैं, सारी दुनिया की चिंता तो रहती है आपको, अपनी भी चिंता कीजिए। ये नए डॉक्टर साहब भी पता नहीं कब आएंगे, अरे जल्दी आ जाएं तो आपका बोझ तो कुछ हल्का हो जाएगा ना। अरे पता नहीं कब आएंगे, और फिर जब आना होगा आ जाएंगे, आखिर कौन सा हमें अपना राजपाट दे देंगे या हमारा राजपाट छीन लेंगे। जब उनकी मर्जी होगी आ जाएंगे। हाँ एहू ठीक कहत। ये कौन आ रहा मालिक? अरे कौन है रे? हम है छोटे डॉक्टर मुकंदी। क्या हुआ, कुशल तो है? नहीं छोटे डॉक्टर, ताऊ के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, किसी तरह शांति नहीं होता, आपको फौरन घर बुलाया है। दवा देने से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, आप अपने हाथ से दवा दोगे तो ही उन्हें तसल्ली होगी, आपका बहुत भरोसा है उन्हें। ठीक है भैया, जा लक्ष्मणा तो दवाई का बक्सा लेकर आ जा। अरे अभी का जल्दी है,
सवेरे चले जाइए। अरे नहीं रे लक्ष्मणा, बीमारी का मामला है, जा तू बक्सा लेकर। चलते हैं भैया। जी अरे मुनिया, हे मुनिया, अरे ये किसका काम कर रही है? लाला का। अरे कभी हमारा भी तो काम कर दिया कर। छोड़ मेरा, वरना हल्ला करके पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी मैं। अरे हल्ला भी कर देना और गांव वालों को भी बुला देना। अंग्रेज सरकार ने ये पुलिस की वर्दी यूं ही नहीं दी है। अरे तू पुलिस वाला, मेरा हाथ छोड़। दिए गोल टोपी मिजाज करे इतना, दिए गोल टोपी मिजाज करे इतना, पानी भरा नाप गई संग गए अपना, पानी भरा नाप गई संग गए अपना। अरे टूट गई रस्सी लटक गए अपना, टूट गई रस्सी लटक गए अपना, ये गोल टोपी मिजाज करे इतना, रोटी बेलन आप गई संग गए अपना, रोटी बेलन आप गई संग गए अपना। अरे फूल गई रोटी। अरे मर्द बनते हो अपने आपको, अरे गांव वाले मसीहा माने हैं तुम्हें। अरे इस मुनिया की इज्जत पे वो गांव का सिपाही हाथ डाले हैं। अरे भजन मानते हो ना उसे तुम, मानते हो ना? अरे तो क्या हर कोई इसकी इज्जत पे हाथ डालेगा? अरे सोच क्या रहे हो? अरे उससे बदला ले सके तो हम ही भरो, वरना हम खुद ही उससे बदला लेंगे। अरे चंगू भैया जल्दी चलो जल्दी। अरे क्या हो गया? छोटे डॉक्टर सिपाही मुबारक अली को बहुत मारा जा रहे हैं, मर जाएगा बेचारा, बचाए लो। अरे चलो छोड़ो जल्दी, जल्दी करो। बहुत अंग्रेजी आ गई, लड़की को छोड़ता। अरे खुदा करो आज तो माफ कर दे भैया। अरे मर जाएगा भैया, अरे मर जाएगा, मर जाएगा, तुम जाओ भैया। अरे मर जाएगा, अरे मर जाएगा, मर जाएगा। अरे मर जाएगा। अरे मांग मांग माफी मुझसे नहीं, मेरी बहन से मांग, मांग माफी। माफ कर दो हमें, हमें माफ कर दो, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। चंगू, चंगू इसको ले जा, इसकी हड्डी पसली एक करके इसी के थाने में जमा करा दे। चलो यही अब तू बोल रही मुनिया, तू क्यों गई थी लाला के यहाँ? क्यों गई थी बोल? अब्बा की नौकरी छूट गई भैया। पर हमको माफ कर दो भैया, चाहे भूखा मरना पड़ जाए पर हम कभी कहीं नहीं जाएंगे, आपकी बात रखेंगे हम। अरे नहीं रे मुनिया, देख देख इस भाई के होते हुए तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, और जिस दिन तुझे नौकरी करनी पड़े वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो मेरी बहन।